चलो ये कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पी लाई अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक डाइपोल मोमेंट है और उसको मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हूँ, चलो यहाँ बना लेते हैं, ये है अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और एक डाइपोल को इसी की डायरेक्शन में रख देता हूँ, मतलब ये माइनस है और ये प्लस है, जिस वजह से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसी के अलोंग है। दिस इज द डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। पी वेक्टर और ई वेक्टर एक ही लाइन में है, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पे है। वर्क डन इन रोटिंग डाइपोल 90 डिग्री। अब ये जो डाइपोल ऐसे है उसको मुझे 90 डिग्री घुमाना है। हम सबको पता है कि अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये अपने आप नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे रखे हो आप तो वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। डाइपोल जो होता है हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में रहना पसंद करता है, क्योंकि उस पे उसकी स्टेबिलिटी स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो ये दोनों हमेशा थीटा डिग्री जीरो पे रहना पसंद करते हैं। अगर आप ऐसे रखो तो घूम के ऐसे ऐसे घूमेगा जैसे पी, अगर मान लो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल को तुम ऐसे रख दिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये ऐसे घूम के आएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल को तुम इधर प्लस रख दिए और इधर माइनस रख दिए, तो ऐसे घूम के इधर आएगा। हमेशा पी जो पी वेक्टर, क्योंकि पी वेक्टर इधर है तो ये प्लस इधर जाएगा, तभी तो दोनों पैरेलल होंगे यार। तो वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ, पहले इनिशियल एंगल कितना था, देखो इनिशियल एंगल थीटा वन जीरो था, तो थीटा टू फाइनली कितना, 90 डिग्री कितना है। तो आपको एक फार्मूला मैं बहुत पहले बताया था कि हमेशा याद रखो, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी, डाइपोल को थीटा वन से थीटा टू घुमाने पे, माइनस कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब चाहे फील्ड घुमाए और चाहे एक्सटर्नल एजेंट घुमाए, वो डिपेंडिंग अपॉन वर्क डन पॉजिटिव और निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे माइनस पी ई कॉस थीटा टू, कॉस थीटा टू क्या भैया, कॉस थीटा टू फाइनल एंगल है, फाइनल एंगल आ गया कॉस 90 माइनस कॉस जीरो, तो इनिशियल एंगल था। तो यहाँ पे माइनस पी ई कॉस 90 जीरो और कॉस वन, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस पी ई, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से मुझे प्लस पी वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वर्क डन है वो कोई एक्सटर्नल एजेंट आके वर्क करेगा, बिकॉज ये अगर पैरेलल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अब उसको डिस्टर्ब करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी।